ठीक है, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज का वीडियो काफी यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ गेम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर बीजेएमआई का सर्वर डाउन हो जाता तो आपके पास कौन कौन सा गेम्स होगा खेलने के लिए, और इसमें पबजी ग्लोबल एंड पबजी केआर को मैं इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई वो ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और उसमें अगर आप डाउनलोड भी करते हो तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, नेटवर्क एरर और आते रहता है, उसके साथ साथ पेमेंट प्रॉब्लम, तो उसको मैं इसमें कंसिडर नहीं करना चाहता हूँ। अगर खेलना चाहते हो तो कोई रोक नहीं सकता, आपको खेल सकते हो। बट मैं आज जो गेम्स का ऑप्शन दिखाने वाला है, काइंड ऑफ छोटा सा सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, दो तीन वीडियो का ही वो सीरीज होगा, जिसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट गेम जो आप देख सकते हो उसके बारे में मैं आपको ये वीडियोस में बताने वाला हूँ। आज तीन गेम को मैं रिव्यू करने वाला हूँ जिसको आप ट्राई आउट दे सकते हो, और ये ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर दोनों में। और एक कंडीशन भी है कि ये जितना भी गेम्स मैं दिखाने वाला हूँ इसका ई स्पोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में या आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो इसलिए ये सब गेम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। वैसे खेल तो आप कुछ भी गेम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कुछ पॉइंट्स मैं ध्यान रखा हूँ, उसके बाद ये गेम सबको मैं सिलेक्ट किया। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो कोई गेम अगर आप चाहते हो उसको कवर करने के लिए। तो अभी तो फिलहाल सर्वर ऑन है, आप बीजा में खेलो, बट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो को आप देख सकते हो, सो डैट आप आराम से स्विच कर सकते हो। एक चीज़ तो आपको मानना होगा, सब चीज़ का एक एंडिंग होता है, तो ये आज नहीं तो कल जाने ही वाला था बीजा में, तो कभी भी जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल हमेशा रहना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। उसके बाद जो आपको पसंद है वो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, और एक एक करके हम लोग इसको डिस्क्राइब करने वाले। तो चलो फटाफट से आज का जो तीन गेम हम लोग देखने वाले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मोबाइल गेमिंग को छोड़ के पीसी गेमिंग में जाना चाहता तो उन लोग के लिए भी थोड़ा सा मैं सजेशन दे देता हूँ। मेनली ये चैनल में तो मोबाइल गेमर्स ही है, बट कुछ कुछ बंदे डेफिनेटली पीसी में देखेंगे। तो पीसी में सबसे बूम पे इंडिया में जा रहा हुआ है वैलोरेंट, तो वैलोरेंट को आप ट्राई आउट दे सकते हो। मेरा बहुत सारा जो मोबाइल वाला दोस्त है वो ऑलरेडी पीसी गेमिंग में शिफ्ट हो चुके हैं, और वो वैलोरेंट में ग्राइंड भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंडिया में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैलोरेंट का, अगर आपके पास डिसेंट कंप्यूटर है, अच्छा खासा कंप्यूटर है, तो आप वैलोरेंट में जा सकते हो। उसके साथ साथ पबजी पीसी भी है, डोटा है, काउंटर स्ट्राइक है, बहुत सारा और भी गेम्स आप ट्राई कर सकते हो, गेम्स का कमी नहीं है। बट ये थोड़ा सा फेमस गेम का मैं नाम दे दिया पीसी में, और अगर पीसी गेम्स से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मेरे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है उसमें, और हर एक अल्टरनेट डेज में पीसी गेम्स खेलता हूँ, ठीक है, आप वो चीज़ चेकआउट कर सकते हो। खैर अभी हम लोग मोबाइल गेम्स में आते हैं, तो इधर आप देख पर कुछ गेम्स मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, तो आज तीन गेम्स का बात करेंगे। सबसे पहले आप देख पर एपेक्स लेजेंड मोबाइल, आप देख पर इसका ई-स्पोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ, बट बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और ये गेम काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। उसके साथ साथ आता है न्यू स्टेट, न्यू स्टेट भी एंड एपेक्स भी लगभग सेम टाइप का गेम है, बट अगर सबसे बेस्ट हो सकते हो ऑप्शन बीजीएमआई के बाद कौन सा हो सकता है जो कि आपको वही एग्जैक्ट फीलिंग देगा, क्योंकि उसमें हेलमेट वेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ सेम टू सेम है, गन्स का नेम आपको सेम टू सेम दिखेगा ऑलमोस्ट, तो बोल सकते हो कि न्यू स्टेट सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसका भी स्पॉट अवेलेबल है, और इसमें भी आप कैरियर बना सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं एक अलग गेम रखता हूँ, वो है बैटल रॉयल नहीं रहने वाला, ये है स्ट्रैटेजी गेम क्लैश ऑफ क्लैन। क्लैश ऑफ क्लैन का भी बहुत पुराना गेम है, बहुत लोगों का ऑलरेडी अकाउंट होगा, पबजी से पहले गेम एग्जिस्ट करता था, तो इसीलिए इसका तो अकाउंट ऑलरेडी होना चाहिए, और इसका भी ई स्पोर्ट लेवल अच्छा खासा इंडिया में है, तो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी मतलब जो बैटल रॉयल गेम है वो चल ही नहीं रहा, तो भाई आपको सीओसी में जाना चाहिए, अगर बीजेएमआई बैन होता है तो बीजेएमआई जब तक है तो आप उसको एंजॉय करो, उसको अभी बंद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे न्यू स्टेट, जो कि सबसे कॉमन है, मतलब इसके बाद यही सबसे ज्यादा लोग शिफ्ट करेंगे। तो इधर आप देख पर इसका सीजन 4 कुछ स्टार्ट हो चुका है, और जैसे कि बताया यही सबसे अच्छा ऑल्टरनेट हो जाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ आप बोल सकते हो कनेक्टेड है बीजेएमआई का, इसका जो बोल सकते हो फीचर्स वगैरह है वो तो अलग है, बट जो ज़्यादातर चीज़ आप देखोगे मतलब तुरंत आप अडप्ट कर सकते हो न्यू स्टेट को, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, इधर आप देख पर सिल्वर में हो, और जितना भी गेम्स मैं दिखाने वाला हूँ, आज तीन दिखा रहा हूँ, कुछ दिन बाद एक और तीन दिखाऊंगा, सब में थोड़ा बहुत नॉलेज मैं रखा हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इधर आप देख पर न्यू स्टेट का कुछ इंटरफेस ऐसे रहेगा, और इसमें थोड़ा सा हाई एंड डिवाइस चाहिए होगा, होप करते हैं अगर बीजेएमआई सक्सेसफुली अनबैन नहीं होता या कहीं कुछ कारण से नहीं आता वापस इंडिया में, तो मैं क्राफ्टन से होप करता हूँ कि ये यही गेम को अच्छा से डेवलप करे, थोड़ा सा लो एंड बोल सकते हो डिवाइसेस के लिए भी ये लोग रख सकते एम, सो डैट जो लो एंड बंदे हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रिसीव कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जब हम लोग एक एक गेम का रिव्यू करेंगे अलग अलग वीडियो में और अच्छा से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देख पर मैक्सिमम चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा, सबसे पहले अभी फिलहाल के लिए इसमें दो मैप अवेलेबल है, बैटल रॉयल में आप देख पर ट्रॉय मैप अवेलेबल है, और उसके साथ साथ इरेंगल, और उसके बाद एक्सट्रीम है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे उतना डिटेल में, अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो ट्रॉय मैप, उसके साथ साथ आप देख पर इरेंगल अवेलेबल है, डेट मैच में बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है, एग्जीबिशन हॉल दिखाई दे रहा है, अंडर ब्रिज दिखाई दे रहा है, स्टेशन मैप ये भी काफ़ी अच्छा, ट्रेनिंग ग्राउंड भी आपको मिल जाएगा ये गेम में।
तो इसमें भी आपको इवेंट्स बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। देखो भर्ती इवेंट है, तो इवेंट के लिए इसका कोई भी टेंशन नहीं है। इसमें कुछ डेली बेस में लॉग इन इवेंट भी आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें से रैंडमली कुछ भी आइटम हम लोग को मिल सकते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया, ओके इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे इसमें भी बहुत सारा वेलकम गिफ्ट आपको मिलेगा, उसके साथ साथ डेली लॉग इन इवेंट्स भी मिलेगा। तो इवेंट का कमी इसमें भी ये वर्जन में भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आप देख पा रहे अलग अलग इवेंट है, सब हम लोग एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो अलग अलग वीडियो बनाकर सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद आप देख पा रहे ये वीकली डेली गिफ्ट आपको मिलेगा, हर एक वीक इसमें कुछ मिलते रहेगा क्रेट वेट। और उसके बाद मैं फटाफट से आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि तीन तीन गेम कवर करना। इसमें भी सीजन फीचर्स है जिसमें आप कॉन्करर तक जा सकते हो। इसमें कॉन्करर है कि नहीं क्या देखना होगा, मुझे याद ही नहीं एक्चुअली। इसमें भी कुछ अलग अलग रिवॉर्ड्स आप देख पा रहे अलग अलग टीयर में। और इसमें आप देख पा रहे इसमें भी कॉन्करर है, मास्टर है, कंटेंडर आपको दिखाया जाए डायमंड। तो मतलब मैं जैसे कि बताया कि सिमिलर आपको देखने को मिल रहा सब कुछ। और इसमें भी आपको हर एक बोल सकते हो टीयर में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें मेनली गन में ही फोकस किया गया है आप देख पाए टीयर रिवॉर्ड्स में। इसको हम काट देते हैं, स्टैटिस्टिक प्रोफाइल सब कुछ सेम सिमिलर ही है। तो सबसे जल्दी आप एडॉप्ट यही गेम को आप कर सकते हो बीजीएमआई के बाद। उसके बाद इसमें भी आपको स्टोर्स दिख जाएगा, क्रेट ओपनिंग आप कर सकते हो, अपग्रेडेबल ड्रेस एंड आउटफिट दोनों मिल जाएगा। आप एनसी मतलब रॉयल यूसी जैसे चीज़ों को परचेस कर सकते हो, कॉस्ट आप देख पा रहे हो। रॉयल पास भी इसमें अवेलेबल है, रॉयल पास इसमें थोड़ा सा मुझे बेकार लगता है एज कम्पेयर टू बीजीएमआई, बट कोई नहीं, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है कि 50 लेवल के बाद भी आपको कुछ बहुत सारा कॉइन्स मिलते रहता है, तो हम लोग ये भी देख लेंगे। बट इसमें जो रॉयल पास में एक नया चीज़ है वो स्टोरी मिशन, लिटरली ये स्टोरी मिशन बहुत ही ओपी रहता है, जिसमें आपको अलग अलग लोकेशन में जाना पड़ता है और उसके बाद आपको वो स्टोरी मिशन के लिए वो सामान खोजना पड़ता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और ये मेनली आपको ये अलग न्यू स्टेट का अलग फीचर है, जो कि कॉपी नहीं किया गया बीजीएमआई या पबजी मोबाइल से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप इसको ट्राई दे सकते हो। इसका मैप का एक्सपीरियंस थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होने वाला, थोड़ा ग्राफिक्स का भी इम्प्रूव किया गया, जब लॉन्च हुआ था थोड़ा सा बोल सकते ग्लिची या थोड़ा सा बगी हम लोग को दिखता था, अभी इम्प्रूव हुआ है, हीटिंग इशू थोड़ा सा कम होता है। तो एक बार आप ट्राई आउट दे सकते हो अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि यही सबसे अच्छा बोल सकते हो ऑल्टरनेट है। ठीक है, सो गाइस अभी हम लोग आ चुके सेकेंड गेम, वो है एपेक्स लेजेंड मोबाइल, और इसका भी स्पोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ बट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा। और टू बी ऑनेस्ट एपेक्स लेजेंड मोबाइल उन लोग के लिए ज़्यादा बेटर होने वाला जो एपीपी लवर होने वाला है। टीपीपी खेल सकते हैं बट एपेक्स का जो मेन मजा है ना वो एपीपी में ही मिलने वाला है। और इसमें भी भर भर के आपको इवेंट्स, और उसके साथ साथ इसका इवेंट है ना वो नेक्स्ट लेवल है। पबजी का जो पुराना इवेंट सब आता था ना, उस तरह का इवेंट है जिसमें आपको लोकेशन में जाना है, डायमंड खोजना है और वो सब चीज़ एक्टिवेट करना है। तो बहुत ही बहुत सारे इनोवेटिव इवेंट्स इसमें देखने को मिलता है एपेक्स मोबाइल में। और इसमें बहुत सारा और भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं रेगुलर बेसिस में इसमें कुछ ना कुछ आते रहता है, तो ये भी चीज़ अब मैं कवर करूंगा, तो इवेंट भी कवर करूंगा ऑब्वियसली। और इसके साथ साथ आप देख रहे सीजन्स भी आप दिखाई दे रहे, अलग अलग इवेंट शेड्यूल है और एक से बढ़कर एक इवेंट सब आपको इसमें देखने को मिलता है। आप कभी भी इसमें रिग्रेट नहीं करोगे, बट इसमें एक दिक्कत है कि ये थोड़ा सा फिर से हाई एंड डिवाइसेस के लिए है, थोड़ा सा लो एंड डिवाइस के लिए लैग फील हो सकता है। बट मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज या ऑप्टिमाइज किया गया है, सो डैट आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, न्यू स्टेट से कम ही दिक्कत होगा खेलने के लिए। दोनों का अगर बोल सकते हो साइड बाय साइड कंपेयर करोगे गेम प्ले में, तो एपेक्स का गेम प्ले ज़्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू न्यू स्टेट, ठीक है फिलहाल के लिए। और उसके बाद बहुत सारा और भी चीज़ें हैं, इसमें भी आपको मैप्स दिख जाता है, बैटल रॉयल अलग अलग मोड्स आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें बहुत सारा एजेंट्स होता है, ये एजेंट्स का सिस्टम अलग होता है। अगर आप खेलोगे तो मैं पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, एजेंट का क्या यूज़ है, कैसे उसको अनलॉक कर सकते हैं। इसका जस्ट सीजन टू हुआ है, तो मतलब आप ये गेम का अर्ली फेज में इसको खेलने वाले हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और हर एक किस्म का मोड दिख जाएगा, प्रैक्टिस मोड दिख जाएगा, मल्टीप्लेयर मोड दिख जाएगा, रैंक्ड मैचेस दिख जाएगा, उसके साथ साथ बैटल रॉयल भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपका स्क्वाड है मतलब ऑलरेडी बीजीएमआई में अच्छा खासा स्क्वाड है 4 मेंबर का, तो इसमें 4 मेंबर नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। 3 बंदे ही खेल सकते हैं एपेक्स में, यही कंप्लीट स्क्वाड होता है, 3 बंदा डुओ या सोलो खेलो। इसमें यही खराब मुझे लगता है एपेक्स में कि आप टोटल 3 ही बंदे के साथ खेल सकते हो। अगर आपका चौथा बंदा है तो आप ये गेम को मत खेलो, क्योंकि भाई चौथा बंदे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एक को बाहर भगाना ही होगा तभी जाके आप खेल पाओगे। ठीक है, तब आप न्यू स्टेट ट्राई कर सकते हो, 4 बंदे उसमें खेल सकते हैं। ठीक है, 4 बंदे एक साथ, 3 बंदे एक साथ रिवाइव भी दे सकते हैं, जल्दी रिवाइव हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग पूरा डिटेल में बाद में बात करेंगे, थोड़ा मैं आपको केवल ओवरव्यू दिखा रही है। एक बैटल रॉयल गेम है, आपको वही लगभग एक्सपीरियंस देगा जो आपको न्यू स्टेट देता है, बट इसमें एपीपी खेलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बैटल रॉयल एक्सपीरियंस के लिए ये 2 गेम अभी इंडिया में सबसे अच्छा चल रहा है फिलहाल के लिए, ये 2 गेम को आप ट्राई आउट दे सकते हो। ठीक है, ये दोनों गेम का मैं आपको खराबी बता दिया, अच्छा ही बता दिया,
और भी डेप्थ में नॉलेज चाहिए होगा तो हम लोग अलग अलग कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें ओवरव्यू देख रहे हैं। और उसके बाद जो आखिरी गेम है, जो कि बहुत ही ओजी गेम है, और उसके साथ साथ अगर आपको बैटल रॉयल और खेलना ही नहीं है, आपका मन भर गया बैटल रॉयल से खेल खेल के, परेशान हो चुका हाई एंड डिवाइस खोजते खोजते, और आपको हाई एंड डिवाइस खरीदने का मन नहीं है, तो आप खेल सकते हो सी ओ सी। और इसका भी काफ़ी अच्छा ई स्पोर्ट है। तो इधर आप देख पर इसमें आप देख पर इसमें भी मैं बहुत लिटरली 5-6 साल वेस्ट किया हूँ, जब मैं यूट्यूब में नहीं था तब से मैं खेलता हूँ 2012 के आसपास से। और उसके बाद आप देख पर इसमें भी बहुत सारा चीज़ आपको दिखाई दे रही, इसमें लिटरली मैं 1-1.5 साल तक बीच बीच में छोड़ते गया हूँ। जब पबजी आ गया तो मैं इसको छोड़ दिया था, बट ये गेम अभी भी नेक्स्ट लेवल है और इसमें बहुत सारा चेंजेस है। इसका स्ट्रैटेजी टोटली अलग होने वाला है, इसमें आप खुद नहीं खेलने जाओगे, इसमें आपका ट्रूप सब खेलने जाएगा। इसमें आपको दिमाग लगा के हर एक ट्रूप सब जो है उसमें आपको यूज़ करना होगा। पबजी मोबाइल में एंड बीजे में जो क्लैन का इंपॉर्टेंस है ना, उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सी ओ सी क्लैन का, क्योंकि अभी देख पर मेरा मेम्बर उम्र चल गया सब, पूरा क्लैन का ही मजा है। इसमें वॉर्स होता है, वॉर्स में अगर खेलोगे तो भाई एक साथ सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, मतलब ये भी नेक्स्ट लेवल गेम है। इसमें भी ई स्पोर्ट होता है, बहुत अच्छा खासा लोग खेलते हैं, और अभी भी ये वन ऑफ द ओजी एंड बेस्ट गेम बोल सकते हैं लो एंड डिवाइसेस के लिए, क्योंकि जो बंदे के पास लो एंड डिवाइसेस है वो जानता है कि भाई ये गेम अभी भी स्मूथली वर्क करता है, राइट। इसलिए डेफिनेटली अब इसको भी ट्राई आउट दे सकते हो। अगर आप पुराना प्लेयर तो आप तो डेफिनेटली इसको समझ रहे हो कि ऐसा किस्म का गेम है। इसमें वॉर्स मिल जाएगा, बैटल पास भी मिल जाएगा, जैसे सब गेम में बैटल पास है, इसमें बैटल पास है। बट इसमें एक चीज़ ख़राब है कि इसका जो बैटल पास है ना, इसमें आपको हर एक महीना खरीदना पड़ेगा, ठीक है। जुलाई वाला ये अभी एंड होने वाला है, तो इस किस्म का आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। और मैं जब लास्ट खेला था ना, तब ये चीज़ जो है वॉर का ये जो चीज़ देख पा रहा हूँ, ये मुझे आइडिया नहीं है, ये नया चीज़ ऐड हुआ। इससे पहले जितना भी चीज़ है सबका मेरे पास आइडिया है। और इसमें आपको अलग अलग अपने घर को अपग्रेड करते जाना होगा, अपग्रेड कर करके आपको डिफेंसेस सब, आपको जो वॉल्स है और उसको स्ट्रांग बनाते जाना है, सो डैट आप जैसे दूसरा बेस में अटैक करते जाओगे वैसे एनिमी भी आपके बेस में अटैक करेगा ना, तो उसको डिफेंस करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अलग ही कैटेगरी का गेम हो जाएगा, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं इसको भी कवर कर दूंगा। बीच बीच में कभी कभी अगर आप इंपॉर्टेंस इवेंट उवेंट जानना चाहते हैं, इसमें भी इवेंट्स आते रहता है, इसमें टास्क दिया जाता है, इधर भी इवेंट भरे रहता है, तो इवेंट्स का कमी नहीं मिलेगा। जितना भी मैं आज 3 बोल सकते हो गेम्स दिखाया ना, तीनों गेम्स में आपको इवेंट्स मिलेगा, तीनों गेम्स में आप बोल सकते हो आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। बट एक स्ट्रैटेजी गेम है जिसमें आपको क्लैन बनाना होगा और वॉर में फाइट करना होगा, और 2 बैटल ग्राउंड बोल सकते हो गेम है, तो उसमें आपको समझ में आ गया किस तरह का वर्क करेगा। तीनों गेम का अपना अपना प्लस एंड माइनस पॉइंट है, तो सब गेम का वैसा होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में और भी न्यू गेम्स के साथ, और उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हर एक गेम को ओपन करेंगे। अगर बीजीएम में रहता है तो बीजीएम में भी कंटिन्यू रहेगा। चलो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।